सुनाओ मुझे चिंता मत करो। हाथरस का गाय चलिए एक एक हाथरस का गाएंगे और यहाँ का गाते हैं ठीक है। अच्छा ठीक है चलिए हमको सुनने आए हैं, बहुत बड़ी कृपा है आप। सुनिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। तो देखिए नहीं गीत आपको अच्छा लगा ऐसी बात नहीं, मेरी कोशिश है मैं हाथरस का भी सुनाऊंगी आपको, सुना कर ही जाऊंगी, सुना नहीं जाऊंगी यहाँ पर। तो रंग म्यूजिक बनाने का बहुत शौक है, ये अच्छी बात है कि मुझसे ही म्यूजिक बजा लेती है, वैसे इनको वादक की आवश्यकता नहीं है। कोई तो होता है थ्री इन वन पर ही है, थ्री इन वन पर आधा काम अपने आप ही निपटा देते हैं, बहुत ये कोई सब में नहीं होता है ना, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन फिर भी देवी स्वरूपा इस छोटी सी बच्ची की ओर से भेंट हुआ है, महामाई से चिर आयु सद्बुद्धि और यश कीर्ति प्रदान करे, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, क्या क्या रस संभाले खाती है चूड़िया, और जब भी किसी कलाई में आती है चूड़िया, और दादा जी क्या क्या सितम हाये ढाती है चूड़िया, और जब भी किसी सलाई में आती है चूड़िया, ये बेशर्म चूड़िया है बड़ी बेदर्द चूड़िया। इधर गीत भी कह रहा है लेकिन इधर मेरा गीत क्या कह रहा है दादाजी, अगर पसंद आए तो केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। क्या क्या रस संभाए कि दो परिवारों का मिलन कराती है। देखिए शायद ही कोई परिवार ऐसा होता होगा जहाँ शादी ब्याह नहीं होते हैं, बिल्कुल कहीं बेटी कहीं बेटे सभी के विवाह होते हैं, और लगभग सभी लोग यहाँ व्यस्त हैं, शादी शुदा भी हैं, कमारे भी हैं, कुछ की हो चुकी है कुछ की होने वाली है, लेकिन ये शादियां हैं क्या कल्पना जी? ये आदरणीय जादू करोचिया और जगदीश भाई इन दोनों की तरफ से ढोलक वादक के लिए 51 रुपए हैं। तो देखिए कितनों परिवारों का मिलन कराती, देखो ये शादियां और कुल के चलन को चलाती है ये शादियां, प्रेम
बेटर मैंने आपके लिए चुना है। लोग दहेज गा रहे हैं, लोग भ्रूण हत्या गा रहे हैं और कुछ भी गा रहे हैं, ऐसी बात है। लेकिन ये मैटर रोज अब लेकिन ये अलग से है कुछ हटके। अब आप कहोगे कि करवा दिया पागल हो गई है भाई, शादी का स्वर्ग जाने से क्या संबंध है? तो मैं आपको संबंध भी बताऊंगी कि संबंध क्या है, लेकिन मेरे गीत को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, जो आपका पहुंचाना चाह रही वो पहुंच जाए। कि तारण तरण करण को होती है शादियां, सीधे स्वर्ग गमन को होती है शादियां। शादी छोटी है, आज शादी हुई, कल घर में बहू आई और परसों कोर्ट कचहरी, दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि देश्वर की शादियां, देनर की शादियां, किस किस को स्वर्ग दिया है, माध्यम से स्वर्ग मिला किस किस को है? ऋषि वर्ध मन्मर पाल स्वर्ग गए पल, तपबल से स्वर्ग चले गए। क्या हुआ? इतनी तपस्या की कि वो अपने तप के बल से डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे। हमारे पास इतनी शक्ति अर्जित हो गई, स्वर्ग तक तो पहुंच गए, लेकिन होता क्या है? तुमने शादी नहीं की है अभी तक, कुंवारे हो। तप किया है अपने तपबल से आए हैं, तो बोले तपबल से वापस नीचे चले जाओ, क्यों? अविवाहित हो तुम, बिल्कुल तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो, पहले जाओ और ब्याह रचाओ और तत्पश्चात स्वर्ग में आने की कामना करना, तुमको स्वार्थ स्वर्ग प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे, अरे ऋषि पर मन मन पाल स्वर्ग गए पल, वापस किया है उनको न रहने दिया एक पल, मोर बन गए। सिखावल का मतलब मोर है, क्योंकि मोर बहुत अच्छा होता है। और शादी कर ली, बच्चे वगैरह भी हुए वहां मोर योनी में, अरे देश्वर शादियां, दिन कर शादियां।
जब उन्होंने विवाह कर लिया अभी ही वो स्वास्थ्य अधिकारी अब दूसरे दूसरी कहानी सुनेगा अच्छा ये हमारे संजय भैया जटवी जी रक्षा बंधन कमेटी की ओर से 51 रुपए के ये मुद्राएं प्रदान की गई है हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है कन्या थी कुआरी इसका नाम था कुड़ी उस पर भगवान श्री हरि ने कृपा की वो भी तपस्या के बल पर चली जा रही थी स्वर्ग सब तपोबल के चक्कर में पड़े हुए तपस्या करो स्वर्ग पहुंच जाओ लेकिन स्वर्ग इतना आसान नहीं ना सबको स्वर्ग नहीं मिल सकता था तो कुआरी कन्या कुड़ी की कृपा करी मोहर तपस्या के बल पर पाई जो कुड़े की कन्या थी उसकी शादी फिर शंगवान से कराई गई और देखिए अपने मत क्या कहता है जरदारू को सभी जानते हैं क्योंकि बिल्कुल ओपन कथा है जरदारू जी की ऋषि है जरदारू बोले विवाह नहीं करें कभी भी विवाह नहीं करेंगे हम जिद थी उनकी विवाह नहीं करेंगे लेकिन एक दिन होता क्या जब रास्ते से गुजरते तो कुएं में देखते हैं कि कुछ लोग उल्टे लटके हैं लटके हैं और धीरे धीरे वो कुएं की तरफ ही गिर रहे हैं पूछा भैया कौन हो तुम कौन हो पूछा कि कौन हो तुम तो देखिए बताया कैसे कैसे चरित्रकारों ने देखा लटके पितर अंधे को और बोला कहां के रहने वाले हो तुम जरदारू हो कि पितृ बोला कुलवन को जैसे है तो और कुछ शादी में कर ले तो ये रोमा बुरा अब मैं डर किसी का तो विवाह तो इसने किया था कि मेरी मन पसंद पत्नी मुझे मिली है बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत तो होगा लेकिन जब एक एक पुत्र को एक एक करके गंगा ने जल में विसर्जित करना आरंभ किया तो वही शांतनु कहने लगे अरे मेरी तो जिंदगी विवाह करके और इसीलिए कहा कि पैदल किसी को काटे चुभोती है शादी तो दे स्वर्ग शादियां और दे नरक शादियां